हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, प्लस आपको बताएंगे 2 अक्टूबर तक किन छात्रों की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है sarkarijob.co। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijob.co। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकेंगे, प्लस आप लोग यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग ये न्यूज पढ़ सकेंगे जो कि स्कॉलरशिप की न्यूज है, दैनिक जागरण पेपर है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग पढ़ सकते हैं, छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में बदलाव से छात्रों की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस साल से स्कॉलरशिप के जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या न्यूज़ है। शासन द्वारा पूर्व दशम व देशमोत्र छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर छात्रों को संकट में डाल दिया है। नई प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं के आधार कार्ड को हाई स्कूल के अंक पत्र से अपडेट करते हुए मोबाइल फोन से लिंक किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस साल से आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना कंपलसरी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। इस प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राएं जब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे तो उनके आधार से लिंक मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा। इस OTP को ऑनलाइन आवेदन में भरना होगा, इसके बाद ही आवेदन सबमिट हो सकेगा। आलम यह है कि काफी संख्या में गरीब छात्र छात्राओं के आधार अपडेट नहीं है। इधर नगर उप डाकघर में गत कई माह से ना तो आधार कार्ड बन रहे हैं और ना ही अपडेट किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के जो आधार कार्ड है उनमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्रवृत्ति आवेदन के लिए हर रोज डाकघर के चक्कर काट रहे हैं। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड बनवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था अब वो नंबर बदल दिया है। ऐसे छात्र स्कूल से लेकर डाकघर तक के भागदौड़ कर रहे हैं। छात्रों को अब इस बात का भय सताने लगा है कि कहीं इसी भागदौड़ में आवेदन करने की तिथि समाप्त ना हो जाए। शासन के इस नए नियम में विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी परेशान हैं, क्योंकि छात्र जानकारी के लिए विद्यालय पहुँच रहे हैं। इस कोरोना काल में छात्र छात्राओं को अनावश्यक भाग दौड़ करनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो काफी ज्यादा परेशान है और उनको टेंशन है कहीं फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल ना जाए। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो प्लीज उसे अपडेट करा लिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा, अदरवाइज आपको इस साल स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। ये रूल 2019-20 सेशन में आया था मगर लागू नहीं किया गया था, मगर 2020-21 सेशन से अब ये रूल 100% लागू होने के चांसेस बढ़ गए हैं, यानी कि लागू कर दिया गया है और जो ऑप्शन है स्कॉलरशिप फॉर्म में वो भी अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपने फॉर्म फिल कर दिए और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक करा लिए। अब हम बात करते हैं 2 अक्टूबर तक किन छात्रों की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म सितंबर तक वेरीफाई हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप जो है 2 अक्टूबर तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी कि गांधी जयंती पे। ठीक है, अब मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि भाई स्टेटस हम लोग किस तरह से चेक करें। तो देखिए भाई, अभी तक स्टेटस का ऑप्शन नहीं आया है, आप लोग केवल अपने कॉलेज में संपर्क करके ही जान सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज से वेरीफाई हुआ है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हुआ है या नहीं, और जो स्टेटस का ऑप्शन है वो आपका नवंबर एंड तक आ जाएगा। और अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।